हे नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। हे नमन होम्योवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करने जा रहा हूं सायटिका के बारे में, जिसमें कमर दर्द से शुरू होता है और पूरे पैरों तक हमारे चला जाता है। इसकी बहुत ही कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा, साथ में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको याद रखनी चाहिए अगर आपको सायटिका का दर्द है और लगभग कितने समय में ठीक हो जाता है। तो देर न करते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सायटिका के बारे में जानने की यह होता क्या है। तो हमारी एक नर्व होती है सायटिक नर्व, जहां जहां पर वो नर्व जा रही होती है उसके कोर्स में दर्द देखने को मिलता है। तो जनरली कहां से, हमारे हिप से, कूल्हे से दर्द शुरू होता है, हमारी जांघ में जाता है, जांघ के जनरली पिछले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है और पूरा पैरों तक हमारा दर्द चला जाता है। काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है पेशेंट को। अब इसके कारण की तरफ बढ़े तो कारण इसका होता है कि जो हमारे इंटर वर्टिब्रल डिस्क है, वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है, तो जब डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है तो उसकी वजह से नर्व का हमारी कंप्रेशन हो जाता है, यानी कि जो सायटिक नर्व है हमारी वो दब जाती है। अब जब नर्व दब जाएगी कहीं पर तो पूरी जो नर्व सप्लाई कर रही है जहां जहां पर, उसमें बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलेगा। दूसरा इसका कारण है ऑस्टियोफाइटोसिस। इसमें क्या होता है, हड्डियों की ग्रोथ होने लगती है, यानी कि ऑस्टियोफाइट्स वहां पर आकर इकट्ठा होने लगते हैं, हड्डी अपने आप में बढ़ने लगती है। अब जब हड्डी जब बढ़ेगी तो जो हमारी नर्व है वो दब जाएगी वहां पर, तो सायटिक नर्व जब दब जाएगी तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलेगा। तीसरा इसका कारण होता है किसी भी तरीके की चोट लग गई हो कमर में, तो उसकी वजह से वहां पर वो नर्व दब गई हो, इसकी वजह से भी सायटिक नर्व देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा हैवी लिफ्टिंग कर ली हो, यानी कि बहुत ज्यादा वजन उठा लिया हो, कमर में झटका आ गया हो, मोच आ गई हो, तो उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। तो जनरली इसके कारण जो होते हैं वो चोट लगने की वजह से जनरली देखा जाता है कि आगे सायटिका का दर्द देखने को मिलता है और पैर में बहुत ही भयंकर दर्द देखने को मिलता है। बढ़े इसके लक्षणों की तरफ, तब जब पेशेंट झुकता है आगे की तरफ तो उसका दर्द बढ़ जाता है, खांसता है या फिर छींकता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है, और बिस्तर में जब वो लेटता है तो उसके दर्द में आराम देखने को मिलता है। अब जानते हैं इसका प्रिकॉशन, यानी कि क्या चीज आपको इसके साथ ध्यान रखनी चाहिए। हमेशा ये याद रखें कि कुछ भी भारी चीज ना उठाएं, अपने कमर पर ज्यादा जोर ना दें, और अगर दर्द बन रहा है तो पेशेंट को आराम करना चाहिए बिस्तर पर। जानते हैं कि कितने समय में दर्द ठीक हो जाएगा, तो 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक लगभग ये दर्द ठीक हो जाता है। अब जानते हैं कि इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में कि क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बहुत ही कारगर हैं। तो 3 होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा जिससे आपके सबसे ज्यादा लक्षण मैच कर रहे हो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी लक्षणों पर आधारित एक पैथी है। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जाने तो वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, आर्निका मोंटाना। 200 पोटेंसी में, 200 की शक्ति में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कहीं पर भी हमारे शरीर में चोट लग जाती है, चाहे वो कई साल पहले की चोट लगी हुई हो, तो ये उसको ठीक कर देती है। पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द मिलता है तब आर्निका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। 200 की पोटेंसी में सुबह शाम इसकी 2 बूंद आप खाना खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं अपनी जीभ पर। दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करें तो वो है ब्रायोनिया एल्बा। जब दर्द बना हो कमर में, पेशेंट खांसता है, छींकता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है, मोशन करता है यानी कि हिलेगा और डुलेगा तो पेशेंट का दर्द बढ़ जाएगा, और आराम करेगा पेशेंट तो उसके दर्द में आराम देखने को मिलेगा, तब जो है ब्रायोनिया बहुत अच्छी रेमेडी है। 200 की पोटेंसी में इसको भी लिया जा सकता है सुबह में और शाम में, कोई एक ही होम्योपैथिक दवा आपको लेनी है। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जाने तो वो है रस्टॉक्स। ये भी दर्द की बहुत अच्छी मेडिसिन है, और जब दर्द बना रहता हो, कमर में बहुत ज्यादा दर्द बना रहता हो, तब इसको इस्तेमाल किया जाता है। 200 की पोटेंसी में इसको भी आप सुबह में और शाम में ले सकते हैं, जिससे आपके सबसे ज्यादा लक्षण मैच कर रहे हो वो आप ले सकते हैं। तीनों ही मेडिसिन बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।